यह कार्रवाई जावेद राणा ने कल कराई है, कल या तीन दिन से जावेद राणा को और जावेद राणा ने यह गल क्यों इन्होंने क्यों कि पुलिस नु फोन करो तो जावेद राणा ने क्यों भी एमएलए है या जितने हमारे लीडर बने रहे आज दिन तक इन्होंने हमें घसीट के रखा है। ये भी नालायक हैं, ये भी काबिल नहीं है। अगर ये काबिल होते अल्लाह का देन है। बात मैं ये कहना तो हूँ कि खुदा की कुदरत है उन लोगों को आजमाइश में इनको डाला हुआ है। अगर मारे जैसे लोग मेरे जैसे को अल्लाह तबारक ताला ही कहीं ले जाए तो मैं काम करके बताता हूँ काम कैसे नहीं होता। अगर मैं सरपंच रहा तो मैंने फूलों की तरह पंचायत को बना दिया तो मेरे अगर अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करे तो मैं रजौरी पुंछ को वो गाइड दे सकता हूँ, लोगों को रास्ते बता सकता हूँ कि कैसे किस तरह जो है पार्टी बन सकती है और हम उन लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं जम्मू पूरी कश्मीर को, क्योंकि हमारे जो गुज्जर और पहाड़ी लोग हैं इनमें आताद भी है। लेकर बात तो लीडरों की है ना भाई, काम तो वो करेंगे कि जिनको हमने वोट दिया, जिनके पास सरमाया है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास गाड़ियां हैं। आम आदमी गरीब आदमी मैं अगर कितना भी कहता रहूं मेरे पास इतना सरमाया कहाँ है, मेरे पास इतनी ताकत कहाँ कि मैं कर सकूं। ये बात है बाबू जी। जी जी सर, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा उसके बाद सवाल, पहले आप वीडियो देख लीजिए। उस पर से जोड़ सारा ये खर्च ओ जाओ ना पापा को पैसा उठे तू ओ करे कर ओ जा पापा को पैसा या कार्रवाई जावेद राणा ने कल कराई है, कल या तीन दिन से जावेद राणा को और जावेद राणा ने यह गल क्यों इन्होंने क्यों कि पुलिस नु फोन करो तो जावेद राणा ने क्यों बार बार पुलिस नु फोन नहीं करनो है। सचो पैसा खा लो नहीं जातो बीजू भी सुने लो ठीक है, जड़ी मैं गल बीजू चाड़ा लो पैसा ते वो बार बार नहीं जातो, तो बनो खुद के बनो पुलिस वाला बनो खुद तो करो लड़ाई। और यह जी कार्रवाई कराई है जावेद राणा ने कराई है और जावेद राणा ने आज यह लड़ाई कराई है। जावेद राणा एक तो तंगेबाज आदमी है जिसकी कोई हद नहीं, हर सियासत के बीच वो मिल गए कार्रवाई सारी करा रहे। सर आपने वीडियो देखी होगी अभी, देखो सर हाँ ठीक है। बात यह है कि हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम जब कोतूर पहाड़ पर गए अल्लाह के साथ बात की उन्होंने तो अल्लाह ने से पूछा कि अल्लाह तबारक ताला के जब तेरी जब अल्लाह की जात नाराज होगी तो क्या होगा। बात सुनिए, मूसा अलैहि सलातो सलाम कोतूर पर अल्लाह से बात करने लगे तो जब अल्लाह से पूछा अल्लाह की जात जब आपकी जात नाराज होगी तो क्या होगा, अल्लाह की जात ने कहा मैं नाएल हुक्मरान पैदा करूंगा। पहला लफ्ज था नाएल हुक्मरान पैदा होंगे। नंबर दो अल्लाह की जात ने कहा मूसा अलैहि सलाम दूसरी बात है बे वक्त बारिशें बरसाऊंगा। तीसरी बात ये कही कि अवाम का शुद्ध बुद्ध मारे जाएगा, लोगों का शुद्ध बुद्ध जो है वो मारे जाएगा। ये कसूर किसका है? आपने जो वीडियो बनाई है मैं किसी की जात पे छाड़ना नहीं चाहती, ये कसूर किसका है? मैं आपको कहना चाहता हूं अगर हमारी अवाम में जागृति हो, अगर हमारी अवाम में सोच और समझ हो, मैं कहता हूं जब इलेक्शन आते हैं तो हम कौम पर भटक जाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं जी फलाना फलान है और जी फलाना फलान है, हमें वो बात याद करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमने वोट किसको डालना है, हमने वोट किसको डालना है, कौन सा अच्छा आदमी है जो हमने जिसको वोट डाले। ये कसूर किसी लीडर का नहीं है बाबू जी, ये हमारा वोटर का कसूर है। ये हमारा जब वोट डलता है तो हम अच्छा और बुरे की पहचान करना हमारा काम होता है। आज जो लोग रोते हैं मैं भी अगर रोता हूं तो मेरी गलती है ना, मैंने क्यों स्टैंड किया किसी को, मैंने क्यों वोट देकर हमारा खुद तो कोई लीडर नहीं आ सकता। अगर मजाड़ी या मिसाल को मैं सरपंच मजाड़ी का भी रहा हूं, मैंने हमने दो तीन इलेक्शन लड़े हैं, अगर मजाड़ी में कोई नुकसान हो जाएगा या कोई काम ना कर सकेगा तो बात सुनो ये कसूर काम सरपंच का कसूर नहीं है, ये कसूर हमेशा वोटर का होता है जब वोट डाला जाता है। ये जो लोग रोते हैं ना कल आज ये रो रहे हैं, कब जब नारा ये चलेगा कि गुज्जर और पहाड़ी खतरे में है तो यही लोग मुड़ के उसी को कहेंगे जिसको कहा है। ये किसी का कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है।
जब हम हमाम में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी, जब हम में ये बात वाजह हो जाएगी कि हम वोट किसको डालें, जब वोट का वक्त आता हम वोट खुद खराब करते हैं और बाद में रोते हैं। हमें चाहिए कि वोट डालते वक्त सोचना चाहिए।